आर्यन खान की जमानत को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है बॉम्बे हाईकोर्ट में और उसको लेकर एनसीबी ने कड़ा विरोध किया है। एनसीबी ने कहा है कि आर्यन 2 साल से ड्रग्स ले रहे हैं। एनसीबी ने आर्यन खान पर कुछ गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आर्यन के ड्रग पेडलर से संबंध है, ये कहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। ये अपराध गैर जमानती है, ये कहा है एनसीबी के वकील ने। तो एनसीबी के वकील वहां पर दलील रख रहे हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता आपको इस वक्त बता रहे हैं सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट परिसर से, और ये बताते हुए कि वहां 2 साल से ड्रग्स ले रहे हैं। एनसीबी ने यह आरोप लगाया है आर्यन खान पर, यह बड़ा गंभीर आरोप हो जाता है अखिलेश, ड्रग्स पेडलर से संबंध। जी बिल्कुल, एनसीबी पहले से कहती रही है कि ये मामला गंभीर है, वो पहले से ही ये बताते रहे कि मामला गंभीर है। हालांकि बचाव पक्ष ने जिस तरह से दलील दी है, उनका कहना है कि आर्यन खान के पास कोई भी पजेशन में चरस या गांजा नहीं मिला था, ना ही उन्होंने किसी को बेचा था, ना ही खरीदा था। वो एक इन्वाइटी थे, वहाँ पर गेस्ट के तौर पर गए थे, उन्हें प्रतीक गाबा नाम के व्यक्ति ने बुलाया था, लेकिन झड़ती के दरमियान उनका जो दोस्त है अरबाज, उसके पास 6 ग्राम गांजा मिला था। अरबाज उसके साथ पढ़ाई किया हुआ है, बचपन का दोस्त है, इसी कनेक्शन में शायद आर्यन खान को टारगेट कर रही है एनसीबी, ऐसा बचाव पक्ष का कहना था। लेकिन जिस तरह से एनसीबी पहले दिन से ही ये अडिग थी कि नहीं, उनके जो चैट्स हैं उसमें ये साफ क्लियर दिख रहा है कि ड्रग्स पार्टियां होती रही है, किससे किससे वो ड्रग्स मंगाते रहे हैं, और जो पैसों का ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो कहां कहां से गया है, कैसे गया है, और इसी को जोड़कर जो सबूत हैं, बीच में पूजा डडलानी लेकर एनसीबी ऑफिस पहुंची थी जब उन्होंने नोटिस जारी किया था कि जो आर्यन खान के अकाउंट से पैसे गए हैं या अनन्या पांडे के अकाउंट से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसी को मिलान करना था, और ये दोनों भी नोटिस के बाद दोनों ने अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स सौंपा था एनसीबी। ठीक है, देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है एनसीबी से जुड़ी हुई। एनसीबी ने जमानत अर्जी खारिज करने की मांग की है। एनसीबी ने कोर्ट से ये अपील की है कि वो आर्यन खान को जमानत ना दें और जमानत याचिका खारिज कर दे। एनसीबी लगातार आर्यन खान की जमानत का विरोध कर रही है। एनसीबी कह रही है कि आर्यन खान पहले से ड्रग्स लेते रहे हैं, उनका रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और आर्यन खान खुद साजिश में शामिल हैं, ये कहा है। ये कोई पहला अपराध नहीं आर्यन खान का, ये कहा है एनसीबी ने। और एनसीबी कह रही है कि इनके ड्रग पेडलर से भी संबंध है, ये ड्रग्स भी मुहैया कराते हैं, इसलिए इनको जमानत ना दी जाए। ये एनसीबी ने दलील रखी है वहाँ बॉम्बे हाईकोर्ट में, जहाँ पर आर्यन खान की जमानत को लेकर बातचीत हो रही है, सुनवाई हो रही है। ये बताइए यहाँ पर अखिलेश, अब ये जो एनसीबी का कहना है कि भाई इनको जमानत ना दी जाए, ये खुद साजिश में शामिल हैं, ये तो पूरी तरीके से ये बता रहे हैं कि जो आर्यन खान के वकील दलील रख रहे हैं उससे बिल्कुल उलट और बिल्कुल आर्यन खान के लिए गंभीर आरोप। बिल्कुल, जिस तरह से एनसीबी पहले से ही विरोध कर रही है, और किला कोर्ट में भी उन्होंने जिस तरह से पॉइंट रखा था, वहाँ पर तो उन्होंने ये कह दिया था कि इस कोर्ट को ये हक नहीं है कि यहाँ पर जमानत दी जा सके। उसके बाद वो सेशन कोर्ट मूव किए, सेशन कोर्ट में भी उन्होंने जिस तरह से अपने सबूत रखे, वहाँ पर जमानत याचिका खारिज हुई। अब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुँचे, बॉम्बे हाईकोर्ट में भी जिस तरह से विरोध कर रही है एनसीबी और यहाँ पर साक्ष्य रख रही है, उनका कहना है कि इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए, ड्रग्स ट्रैफिकिंग के हिस्सा हैं, और आर्यन खान पहले से ही ड्रग्स लेते रहे, 3 से 4 साल से वो ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा था, और आज भी वही बात वो रखेंगे, क्योंकि उनके पास जो चैट्स मिले थे वो काफ़ी पुराने, और ये कैलिफोर्निया में पढ़ते थे, वहाँ से भी कुछ चैटिंग उनको कोडवर्ड में मिले थे, वो सारे सबूत उन्होंने चैट्स के डिटेल जो निकाले हैं वही लेकर वो कोर्ट में विरोध कर रहे हैं कि इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो सारे सबूत जो उन्होंने निकाले हैं चैट से, वही सबूत वहां पर रखते हुए एनसीबी ये दलील दे रही है कि आर्यन खान को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। आर्यन खान साजिश करता भी है, आर्यन खान पहली बार नहीं है जब उनका ड्रग्स लेने का मामला सामने आया हो, और आर्यन खान अगर की जमानत अर्जी खारिज कर दी जाए, ये साफ यहाँ पर एनसीबी की तरफ से दलील दी जाती हुई। ये बताइए अखिलेश, फिर कितना ये सुनवाई अभी जो शुरू हुई है, कब तक माने कि ये, फिर क्या उम्मीद है आज फैसला आ सकता है, या ये माने कि अभी देखना होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में? जी बिल्कुल, इसमें कह सकते हैं 2 चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि कोर्ट 6 बजे तक चलेगा, तो जिस तरह से ये 2:30 बजे के बाद मैटर रखा गया है, एनसीबी को कहा गया था कि 1 घंटे के अंदर आप अपना आर्ग्यूमेंट पूरा कर लेना, उसके बाद हो सकता है कि जो बचाव पक्ष है वो एनसीबी द्वारा जो विरोध किया जा रहा है कि जमानत नहीं मिले, उस पर वो फिर अपना कुछ पॉइंट रखें, उन्हें 10-10 मिनट का फिर से वक्त दिया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट अपना फैसला रिजर्व रख सकती है, और कल फ्राइडे है, रिजर्व रखने में कल वो फैसला सुना सकती है, और अगर वकीलों ने ये कहा कि ऑपरेटिव पार्ट आप सुना दीजिए, कि जो एक लाइन का होता है कि बेल ग्रांटेड या बेल रिजेक्टेड, तो ये एक लाइन का जो जजमेंट होता है वो सुनाया जा सकता है आज, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर रिजर्व रखा गया तो कल सुनवाई होगी, और कल
इस पर जमानत याचिका पर सुनवाई होगी कल, मतलब फैसला आएगा। और उसके बाद अगर कल नहीं आता है, कल अगर कुछ होता है तो फिर परसों से वैकेशन हो रही है, 12 दिन की छुट्टी, मतलब दो वीक्स की छुट्टी हो रही है, तो बॉम्बे हाईकोर्ट बंद रहेगा। तो सब यही उम्मीद यही जताई जा रही कि आज ही फैसला आ जाना चाहिए शाम तक।